बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग रिग्रोस मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर उस्मान अहमद मंसूर। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट द लेक्चर सीरीज ऑफ टेंसर एनालिसिस इज इन प्रोग्रेस एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 3 or 4 days वी आर बैक इन एक्शन। सो टुडे इज द टर्न ऑफ लेक्चर नंबर 15 एंड द टाइटल ऑफ द लेक्चर इज गोइंग टू बी सेकेंड ऑर्डर टेंसर। एंड for second order tensor, I am going to discuss today the type number 1 of second order tensor. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू के lectures के अंदर एक पूरा layout तरतीब दिया tensor की definition की तरफ move करने के लिए, and somehow जब हम move कर गए तो हमने ये बात की कि tensors की बात हमेशा किसी order या rank के against की जाएगी, ओके okay? और उसके ऑर्डर या रैंक जितना होगा उतने ही उसके अंदर इंडाइसिस इस्तेमाल हो रही होंगी, और एट द सेम टाइम उतने ही उसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट की बात की जाएगी। और फिर हमने ये भी डिस्कशन की कि टेंसर जो है वो किसी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करके उसकी स्टोरी क्रिएट हो रही होती है। फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि टेंसर्स के अंदर देयर आर मेनली टू टाइप्स, मतलब हर ऑर्डर ऑफ टेंसर के अगेंस्ट आप दो टाइप्स की बात कर सकते हैं। वन इज द कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द गिवन ऑर्डर या गिवन रैंक, एंड द अदर वन इज द कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द गिवन ऑर्डर और गिवन रैंक। तो इसी तरह आज कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 को डिस्कस किया जाएगा। जिस तरह हमने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 पढ़ा था, आज हम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 की डिस्कशन करेंगे। तो डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या कह रही है, फिर इससे हम एक स्पेशल केस बनाकर चीजों को मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अ सेट ऑफ एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एन स्क्वायर क्वांटिटीज ली जाए अगर, और उनको क्या नाम दिया जाए, ए आई जे। किसी के जहन में सवाल आ सकता है कि कैसे पता चला कि ए आई जे जो है ये रिप्रेजेंट करती है एन क्वांटिटीज को। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आप इस एक्सप्रेशन में देखें आई और जे को, बराबर अभी फिलहाल उसको छोड़ें, एन स्क्वायर क्वांटिटीज ये क्यों है, बिकॉज सिर्फ इस एक्सप्रेशन के अंदर I is coming only once and J is coming only once. It means I is a free index and J is also a free index. तो I की variation 1 से n तक होगी, keeping J fixed, और फिर J की variation 1 से n तक होगी, ठीक है, उसी के against, तो आपको n square quantities मिलेंगी। जब भी I 1 से n तक लिया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है शुरू के lectures में कि जब mention ना हो तो 1 से n तक लेंगे। अब जब आप आई की तमाम वेरिएशन करवा देंगे और जे फिक्स किए रखेंगे तो आपके पास एन क्वांटिटीज आई, फिर हर उस क्वांटिटी से मजीद एन क्वांटिटीज निकलती जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपके पास 3 क्वांटिटीज आ जाती हैं, ठीक है, और फिर इससे 3 और निकली, इससे 3 और निकली, और इससे 3 निकले, इसका मतलब ये 3 3 3 जमा करके आपके पास 9 क्वांटिटीज आ गई। तो क्योंकि यहां एन आपका जनरल है, एन अगर 3 होता तो आपके पास टोटल 9 क्वांटिटीज आती, मगर इन जनरल जब आप n यूज कर रहे हो तो इट मींस यू हैव n स्क्वायर क्वांटिटीज। जब भी दो फ्री इंडेक्सेस इस्तेमाल हो, इट मींस फॉर ईच वैल्यू ऑफ फ्री इंडेक्स, जब आप टोटली काउंट करेंगे सारी क्वांटिटीज को, दे विल बी n स्क्वायर इन नंबर। तो n स्क्वायर क्वांटिटीज अगर आप लेते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम x के अंदर, तो वो किसी कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। कब? अगर वो किसी एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में पाए जाने वाली किसी और एन स्क्वायर क्वांटिटीज के साथ एक रिलेशनशिप रखें इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के तहत, जैसे वहां था बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे, बस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इस बार चेंज हो जाएगा कि n square quantities को यहां क्या कहा जा रहा है, a bar p q, again p is coming only once and q is coming only once, it means p is free index and q is also free index, सिर्फ इसको देखें, अभी उससे compare नहीं करना।
ओके, इट मींस यहां भी n स्क्वायर क्वांटिटीज बनेंगी। ये वाली n स्क्वायर क्वांटिटीज इन n स्क्वायर क्वांटिटीज के साथ जब इस रिलेशनशिप के तहत मिक्सअप होंगी, रिलेट करेंगी, एसोसिएट करेंगी, लिंक करेंगी, कंबाइन करेंगी, तो जो n स्क्वायर क्वांटिटीज आपने चूज की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम x के अंदर, वो किसी कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 के क्या बन जाएंगे, कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो एक एक्सप्रेशन है ये क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज इट। हम देख सकते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड पर i इज कमिंग ट्वाइस एंड j इज कमिंग ट्वाइस, इट मींस इट इज अ केस ऑफ डबल सम बिकॉज यू आर हैविंग टू डमी इंडाइसेस। डमी इंडेक्स ऑलवेज कैरी समेशन, इट मींस ये डबल सम होगा। अब आप जानते हैं कि डबल सम के केस होते ही वही है जिसमें दो डमी इंडाइसेस इन्वॉल्व हो, और अगर दोनों की वेरिएशन 1 से n तक है, तो ये चीज हम शुरू के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि वो जो सम होगा वो टोटल n स्क्वायर टर्म्स का सम होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो भी आप इससे इक्वेशन हासिल करोगे उसकी राइट हैंड साइड पर यू विल ऑलवेज हैव द सम ऑफ n स्क्वायर क्वांटिटीज, यू विल ऑलवेज हैव द सम ऑफ n स्क्वायर क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं हम कि हमने i और j को देखा तो वो डमी इंडाइसेस थे। p और q क्या है, p और q कमिंग ओनली वंस, p एंड q यहां भी कमिंग ओनली वंस। ये p और q फ्री इंडाइसेस हैं यहां पर, क्योंकि इस तरफ भी एक दफा p है, यहां भी एक दफा p है, सेम इज द केस विद q। तो p की हर वैल्यू के अगेंस्ट आपको एक इक्वेशन मिल रही है। अब p की टोटल कितनी वैल्यूज अलाउड है, जो वेरिएशन फ्री इंडेक्स डमी इंडेक्स की होती है वही फ्री इंडेक्स की भी होती है। फर्क क्या होता है कि फ्री इंडेक्स सेपरेट वे में वैल्यू पुट करके उसके अगेंस्ट काम चलाया जाता है, जबकि जो आपकी डमी इंडेक्स है उसमें टोटल वेरिएशन के अगेंस्ट सम कर लिया जाता है। ओके, तो पी की वैल्यूज 1 से n तक आ सकती हैं, तो इट मींस फॉर ईच वैल्यू ऑफ पी यू विल गेट 1 इक्वेशन, तो इट मींस यू विल गेट टोटल n इक्वेशंस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ पी, लेकिन साथ क्यू के अगेंस्ट भी आपको चीजें मिलेंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये a बार p q, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये यहां से सबसे पहले ये देखें कि ये टोटल कितनी इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई, क्योंकि लेफ्ट साइड पर p और q इन्वॉल्व है, इट मींस फॉर ईच वैल्यूज फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p एंड q यू विल गेट नंबर ऑफ इक्वेशंस। अब वो इक्वेशंस कितनी हो सकती है, p और q इनकी वेरिएशन है आपके पास 1 से लेकर के n तक, सिमिलरली फॉर q। तो अगर मैं p को वेरी करूं और q को फिक्स रखूं तो आप देख सकते हैं कि आई विल गेट n टर्म्स, यानी कि अब हर वैल्यू ऑफ p के अगेंस्ट जब पुट करते जाओ तो यू विल गेट n इक्वेशंस। लेकिन अब q को के ऊपर भी तो आपने वेरिएशन चलानी है। अब इस एक एक्सप्रेशन से मैं q के n वैल्यूज पुट कर सकता हूं, इट मींस आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट a बार 1 1, a बार 1 2, अप टू a बार 1 n। अंडरस्टैंड, सेम इज द केस विद दिस, यानी कि यहां से कितनी इक्वेशंस निकली, कितने एक्सप्रेशंस निकले n, हर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे इन्वॉल्व हो रहा है। सिमिलरली यहां से भी आप जो नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस मिलेंगे वो कितने होंगे n, यहां से भी कितने मिलेंगे n, करते करते आपको सो ऑन n, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस कितने आएंगे, इन तमाम n's को ऐड करेंगे n प्लस अप टू प्लस n, और ये कितनी टर्म्स हैं, दीज आर n टर्म्स, ये n टर्म्स हैं, n मर्तबा n के अंदर n ऐड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जब n प्लस n होता है तो यू गेट 2n, जब n प्लस n होता है यू गेट 3n, तीन दफा n ऐड हुआ 3n, चार दफा n ऐड हुआ 4n, जब n मर्तबा n ऐड होगा यू विल गेट n इंटू n विच इज n स्क्वायर। तो यहां से पता चला कि इस एक एक्सप्रेशन के अंदर n स्क्वायर क्वांटिटीज हैं जो यहां लिखा था।
अब वो एन स्क्वायर क्वांटिटीज ये वाली है, अब वो बारी बारी जब पुट होंगी तो हर क्वांटिटी के अगेंस्ट एक इक्वेशन बनती जाएगी आपके पास. इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स एन स्क्वायर इक्वेशंस. ये आप लिख लीजिएगा बेशक नीचे, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन स्क्वायर इक्वेशंस. ये एन स्क्वायर नंबर ऑफ इक्वेशंस का सिस्टम लिखा हुआ है. ओके और हर इक्वेशन जो है उसकी राइट हैंड साइड पे एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स सम हो रहे हैं, बिकॉज ये डबल सम है राइट हैंड साइड पे. आई इज अ फ्री इंडेक्स, आई इज अ डमी इंडेक्स, जे इज अ डमी इंडेक्स. तो ये एन स्क्वायर टर्म्स आपस में एड अप हो रही हैं और हर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू के अगेंस्ट जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस जब आप एंड पे कैलकुलेट करोगे दे विल बी एन स्क्वायर. और एन स्क्वायर इक्वेशंस की जो राइट साइड बन रही हैं वो एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स का सम बन रही है. अब मैं एक स्पेशल केस के अगेंस्ट इस सिस्टम को लिखने की कोशिश करता हूं, बिकॉज ये टोटल एन स्क्वायर इक्वेशंस होंगी और राइट साइड पे एन स्क्वायर टर्म्स का सम होगा. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इस सिस्टम की एक इक्वेशन को अलग अलग करके लिखूं, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी. तो हम इसको समझते हैं किसी स्पेशल केस के अगेंस्ट. टेक n इक्वल्स टू 3, n डायमेंशनल सिस्टम से कहां आ गए, 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर. इट मींस i विच वॉज द फ्री इंडेक्स, इट्स वेरिएशन इज दिस, j की वेरिएशन आ जाएगी और सिमिलरली p और q भी उसी तरह रिएक्ट करेंगे. फर्क क्या है कि दीज आर द डमी इंडेक्सेस, the mean indices, and these are the free indices. Okay? मैं लिखता हूं इसको कि ये number of terms क्या हैं, कितनी हैं, और फिर number of equations कितनी हैं, और हर equation की right hand side पे कितनी टर्मों का sum हो रहा है. इन सारी बातों को अब हम इस example में समझते हैं. इस सिस्टम को आप बेशक अगर वन का नाम दे दें. नाउ फॉर एन इज इक्वल टू 3 वी विल राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन इन 1. हम इसको लिखने की ट्राई आउट करेंगे. सबसे पहले आप जानते हैं कि जब n क्वांटिटीज थी तो n स्क्वायर, सॉरी आप सब जानते हैं कि जब आप n डायमेंशनल सिस्टम में थे तो क्वांटिटीज कितनी आ रही थी, n स्क्वायर. अब जब आप 3 डायमेंशनल सिस्टम में आ गए इट मींस नंबर ऑफ क्वांटिटीज विल बी 9, 3 टू द स्क्वायर 9. अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि कैसे पता चल रहा है, ठीक है वो फार्मूला मौजूद है, लेकिन यहां कैसे पता चलेगा कि आपके जो ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज बनेगी ए आई जे से और ए बार पी क्यू से वो टोटल 9 क्वांटिटीज होंगी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ रफ वे कि अगर ए आई जे है, अब आई को वेरी करवाएं और जे को फिक्स रखें तो हाउ मेनी टर्म्स यू गेट, यू विल गेट 3 टर्म्स. अब जे को वेरी करवाएं ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, अब यहां से आए ए 2-1, 2 को फिक्स रखे हैं, जे वेरी करें 2-3, अब यहां पर आए ए 3-1, ए 3-2, ए 3-3. सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि ए बार पी क्यू भी 9 क्वांटिटीज है टोटल, बिकॉज पी भी 1 से 3 तक है, क्यू भी 1 से 3 तक है. याद रखें जब इस एक्सप्रेशन के अंदर बात करेंगे तो आई और जे डमी इंडाइसिस कंसिडर होंगी, लेकिन जब आप यहां बात करोगे तो आई और जे they will be considered as free indices. Okay? तो ये n square quantities है. अब मेरा काम है कि मैं उस सिस्टम को लिखूं जो मेरे पास वहां पर मौजूद है. Obviously, this equation will represent now 9 equations. क्योंकि जब n था तो n square equations थी, ठीक है. Here, 1 represent 9 equations. ये टोटल 9 इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, ओके.
अब नाइन इक्वेशंस कैसे रिप्रेजेंट हो रही हैं ये चीज हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो आप ये देखें कि वन से क्या बेहतर काम किया जा सकता है। पी और क्यू को फिलहाल हम एज इट इज रहने देते हैं। ये जो डमी इंडाइसेस हो रही हैं इनके ऊपर अगर वेरिएशन अप्लाई कर दी जाए तो व्हाट विल यू गेट, पार्शियल एक्स बार पी, पार्शियल आई को वन पुट करें और जे को फिक्स रखें, ए आई जे, और आई कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट्स, वन। नेक्स्ट पार्शियल अगेन पी फिक्स है, आई को टू पुट करें, पार्शियल एक्स बार क्यू बाय पार्शियल एक्स जे ए टू जे प्लस डबल सम अप्लाई कर रहा हूं मैं, पार्शियल एक्स बार पी बाय पार्शियल एक्स वन पार्शियल एक्स बार क्यू बाय पार्शियल एक्स जे, ओके ये टू नहीं आएगा यहां थ्री हो जाएगा, प्लस सॉरी सात आ गया ए थ्री जे, ये तीन टर्म्स का सम बन गया। अब मैं जे के ऊपर जब वेरिएशन देना शुरू करूंगा तो इस एक टर्म से मजीद तीन टर्म्स का सम आएगा, सिमिलरली इस एक टर्म से मजीद तीन टर्म्स का सम आएगा और इस एक टर्म से मजीद तीन टर्म्स का सम आएगा, तो टोटल तीन 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 ये नाइन टर्म्स का सम बनेगा। और यहां पर पी और क्यू फ्री इंडाइसेस हैं तो पी और क्यू की तमाम पॉसिबिलिटीज के लिए आपको इक्वेशंस मिलेंगी जो भी रखेंगे, और पी और क्यू क्योंकि दोनों की वेरिएशन वन से थ्री तक है तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती हैं पी और क्यू के पेयर्स लेने की। आप क्या कर सकते हो, इसको यू भी समझ सकते हो कि पी वन क्यू वन ले लें, पी वन क्यू टू ले लें, एक को फिक्स रखें, इसी तरह क्यू थ्री ले लें, इसी तरह आप पी को टू करें फिर क्यू को वेरी करें फिर पी को थ्री करें फिर क्यू को वेरी करें तो यू विल गेट सिक्स सॉरी नाइन टोटल पॉसिबिलिटीज। इट मीन्स दिस इज representing nine equations and each equation is further a sum of nine terms. आप जो भी P और Q रखोगे यहां पर total nine number of terms का sum बनेगा, और P और Q की कितनी pairs possibles है, nine pairs possible है, ठीक है। तो इसको complete करके compact form में mathematical form में लाना आपका homework है, comment section के अंदर आप questions कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।